तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग, और खबर कहीं से भी अच्छी नहीं, जस्ट बिकॉज आईपीएल 2021 को कर दिया गया है टेम्पररली सस्पेंड। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया जा रहा कब तक सस्पेंड किया गया, कब रीशेड्यूल किया जाएगा। हालांकि ये चीज़ निकल के आई है कि ये कैंसिल तो नहीं हुआ, बट इसे रीशेड्यूल जो है बाद में किया जाएगा। और दोस्तों, ये खबर तब आती जब हमने देखा कि केकेआर के प्लेयर सबसे पहले पॉजिटिव पाए जाते, जिनमें सबसे पहले नाम निकल के आता वरुण चक्रवर्ती का, फिर संदीप वॉरियर का। दोस्तों, इसके बाद ये खबर निकल के आती कि सीएसके के स्टाफ मेंबर, जिसमें सबसे बड़ा नाम था सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन, वो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, बालाजी जो कि उनके बॉलिंग कोच है, वो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं, और साथ साथ दोस्तों उनका बस ड्राइवर भी पॉजिटिव पाया जाता है। बट स्टिल गाइज, हमने देखा आज का जो मैच था वो वेरी मच जो है ऑन था, हमें देखने को मिलता मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच। बट दोस्तों, इसके बाद ये खबर निकल के आती है कि सनराइजर्स हैदराबाद के जो विकेट कीपर बैट्समैन है वृद्धिमान शाह, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते आज का मैच भी जो है कैंसिल कर दिया गया। ऑल्दो दोस्तों, कल का मैच भी कैंसिल कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज जैसा मैंने बताया कि सीएसके के प्लेयर्स ने खुद को क्वारंटीन में कर रखा है। तो इसके तहत दोस्तों ये सारी खबर निकल के आ रही है, जिसके बाद फाइनली जो है ये कॉल लिया जाता है कि आईपीएल 2021 को जो है फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और इस पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं कि कब इसे रिशेड्यूल किया जाएगा या फिर कौन से टाइम फ्रेम में इसे रिशेड्यूल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर आप आईपीएल के फैन हो तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं, जस्ट बिकॉज आईपीएल 2021 को कर दिया गया है सस्पेंड।